हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में समझेंगे मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, ये दोनों सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, बिकॉज कॉमर्स के अभी कुछ एग्जाम होने बाकी हैं। एक बार वो एग्जाम हो जाएंगे तब हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें पता चल पाएंगी। अभी फिलहाल मैनेजमेंट के कम्प्लीट एग्जाम हो चुके हैं तो हम इस चीज़ को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी क्लोज जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो गाइज अगर हम बात करें कट ऑफ की, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो गाइज एक्सपेक्ट जिस तरीके का पेपर आया था, देखिए पेपर ना बहुत ईजी था और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टफ हो, टफ था लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो गाइज ऐसे में कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी 2020-21 की बता रहा हूँ मैं, ये कट ऑफ गई थी 160 नंबर 300 में से, ये कट ऑफ थी। तो जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक ये 53.33 के आसपास बनेगी। तो गाइस दिस वाज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, ये अनरिजर्व कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं, और 176 जो थी आपकी थी ये जेआरएफ के लिए। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो ये बन रही है आपकी 58.66% के आसपास। तो गाइस देखिए अगर हम बात करें मैनेजमेंट की इस साल की कट ऑफ की, तो क्योंकि पेपर लास्ट ईयर के जैसे ही था और इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था, अगर लास्ट ईयर के पेपर 19 था तो इस साल का पेपर थोड़ा 20 था, मतलब कहने का है कि थोड़ा सा टफनेस लेवल में प्रीवियस ईयर से भी थोड़ा सा टफ टफ पेपर रहा था, 19-20 का गैप था। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी इस साल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, वो रहेगी 52% से लेकर के 54% के आसपास। ये आपकी मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब ये 50 से तो ज़्यादा रहेगी, कन्फर्म है। 52 से लेकर के आपकी 54-55 के आसपास जो है जा सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली अनरिजर्व कैटेगरी की फॉर मैनेजमेंट सब्जेक्ट। और अगर हम गाइस बात करें आपके ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ लास्ट ईयर काफ़ी कम गई थी, ओबीसी की गई थी 144। तो जो आपकी 144 है इसको अगर हम 300 से डिवाइड करते तो आती 48%, ये आती आपकी 48% कट ऑफ थी आपकी मैनेजमेंट की। तो अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो मैनेजमेंट कैटेगरी, तो ओनली 48% आपको स्कोर करना था। एंड 164 थी आपकी इसमें अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ की कितने कितने मार्क्स चाहिए थे आपको, 161, मतलब 54.66%। ये थी आपकी ओबीसी की कैटेगरी की अगर हम बात करें, ऐसी बाकी कैटेगरी की भी आप निकाल सकते हो जो भी आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी गिवन है। तो गाइस देखिए पेपर का आप जो लेवल था काफी अच्छा खासा था, काफी टफ लेवल का था, काफी एनालिटिकल पेपर था। जिस बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर है वही पेपर क्लियर कर पाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पढ़ लूंगा कर लूंगा इधर उधर की चीजें कर लूंगा तो नहीं होने वाला गाइस। अब जो पेपर है उसका जो लेवल है काफी पहले से बढ़ा दिया गया है, तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक ही चीज आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो ही आपका पेपर क्लियर होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सभी स्टूडेंट्स का मानना है, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है। आप अपने आप से एक बार पूछो कि अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। तो गाइज आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप इस वाले अटेम्प्ट में हो जाएगा तो अच्छी बात, इस बार अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना। अगर हम बात करें कॉमर्स वाले स्टूडेंट की, तो कॉमर्स की जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो 62 के आसपास जाने के चांस है, 62 से 64% के आसपास जाने के चांस हैं जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है। और अगर हम बात करें ओबीसी की, तो वो रहेगी 58 से 62% के आसपास। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ओबीसी। बट अभी क्योंकि कॉमर्स के एग्जाम होने बाकी हैं तो अभी जब वो एग्जाम हो जाएंगे तभी हमें एग्जैक्ट चीजें पता चल जाएंगी किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। अब गाइस देखिए अगर आपके पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लो, क्योंकि जब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी बात बनेगी। और मिनिमम 4 से 5 महीने, 6 महीने आपको चाहिए ही होंगे अच्छे से सभी चीज़ों को कवर करने के लिए, बिकॉज सिलेबस काफ़ी लेंथी बना हो आपका होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपकमिंग एग्जाम के लिए। यहाँ पर 6 मंथ एंड 12 मंथ के कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेपर वन अवेलेबल है, कॉमर्स भी अवेलेबल है एंड मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। तो गाइस देखिए अभी जो इसके फीचर्स हैं मैं बता दूं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही कंटेंट कवर किया हुआ है। जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीज़ों को पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर कवर कर रखा है चीज़ों को। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं। गाइस अगर हम बात करें फीस की, तो आज 2 अक्टूबर है, आज ही के दिन ये जो है कोर्स लॉन्च हुआ है। तो स्टार्टिंग जो 30 स्टूडेंट्स रहेंगे मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट के, उनकी फीस 6 मंथ की 5,999, बट स्टार्टिंग के 30 स्टूडेंट्स की फीस केवल 2,999 रखी गई है। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा Flat50, और जैसे आप पेपर वन मैनेजमेंट दोनों स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप 6 मंथ का कोर्स अवेल कर सकते हो, जिसकी फीस 7,999, लेकिन फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स की केवल फीस 3,999, मतलब Flat 50% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो गाइस ये जो Flat 50% का डिस्काउंट है वो स्टार्टिंग के 30 स्टूडेंट्स के लिए होगा, तो आप फटाफट से इनरोलमेंट करवा लो। अगर आपका कूपन कोड अप्लाई करने के बाद नहीं फीस कम हो रही है, इसका मतलब 30 स्टूडेंट्स का जो स्लॉट है वो फिल हो चुका है। तो अभी स्लॉट बाकी है, अभी फटाफट से स्टार्ट कर लो, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। बिकॉज होता क्या है इसकी, ये टॉप 6% की रेस है,
इस टॉप 6% की रेस में अगर आपको आना है तो आपको जल्दी से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना डिले करके स्टार्ट करोगे उतना ही आपके चांस रहेंगे कि उस 6% के ब्रैकेट में मुश्किल हो जाता है फिर आना, है ना। तो गाइज इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करें, देखिए पेपर अगर ओनली पेपर वन करना चाहते हो तो भी फ्लैट 50% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आप ओनली पेपर वन भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर कैसे अवेल करना है, यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसी पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर पे क्लिक करना, स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, उस कोर्स को ओपन कर लेना जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो। वहीं पे आपको बाय का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे आपको अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन भी दिख जाएगा नीचे की साइड में, तो अप्लाई कूपन कोड करेंगे तो आपकी फीस भी कम हो जाएगी। गाइज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।